हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे कि ITJEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी जिसकी हेल्प से आप उन टॉपिक्स को अपने फिंगर टिप्स पर याद रख सकते हैं, और ना सिर्फ याद रख सकते हैं, उनकी हेल्प से, उन ट्रिक्स की हेल्प से आप एग्ज़ाम में उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्लास 12 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। वहाँ पर हमने इस सीरीज़ को देखा होगा। ये सीरीज़ कुछ इस तरीके से है। इस सीरीज़ को हमने उस चैप्टर में देखा होगा। तो ये सीरीज़ क्या है, किस बेसिस पर इन एलिमेंट्स को इस लिस्ट में अरेंज किया गया है, इसके यूजेस क्या हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर उसके बाद सीधे आते हैं इसे याद करने की ट्रिक पर। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, छोटी क्लासेस में हमने इसे मेटल एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से पढ़ा है 8, 9 या 10 क्लास में, तो इज़ अ लिस्ट दैट डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़। यानी कि आसान भाषा में अगर हम बात करें तो इन एलिमेंट्स को इस लिस्ट में इनके इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ के बेसिस पे रखा है। जैसे जैसे हम लिथियम से और नीचे बढ़ते जाते हैं, जिंक, आयरन और इधर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन के बाद गोल्ड, प्लेटिनम और गोल्ड आ गए, तो जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ बढ़ते जा रहे हैं इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। लिथियम से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से गोल्ड, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में हम इसे SRP से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू IUPAC, इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या SRP को हम अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम शॉर्ट में E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम लिथियम से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इनका SRP वैल्यू इंक्रीज़ होता जा रहा है। इनका SRP वैल्यू इंक्रीज़ होता जाएगा। या अगर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज़ होता जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या SRP वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है इन एलिमेंट्स के रिड्यूस होने की टेंडेंसी को। तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे SRP का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे SRP का वैल्यू बढ़ेगा, एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। रिड्यूस मतलब रिडक्शन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन करना। और ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। तो अगर ये एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्यों बढ़ेगी? अगर ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट से ले रहा होगा, तो उस एलिमेंट से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएगा ताकि ये खुद गेन कर सके। तो इसने क्या किया, उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाया, और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसने उस एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करवाया। तो जितनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, यानी कि जितनी ज़्यादा SRP वैल्यू, उतनी ज़्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, और उतना ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी। इसी को बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। यानी कि SRP वैल्यू अगर बढ़ेगी तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सीरीज़ में नीचे की तरफ आने पर SRP वैल्यू बढ़ता है, SRP वैल्यू या E0 का वैल्यू बढ़ता है। SRP वैल्यू बढ़ेगा तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी,
रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनक्रीज होगा, यानी कि लिथियम से नीचे आने पर हाइड्रोजन तक और हाइड्रोजन से गोल्ड तक, यहाँ से यहाँ तक इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है। नीचे वाले एलिमेंट्स ज़्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे ऊपर वालों के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसके उल्टे रिडक्शन नेचर की बात करें, रिड्यूसिंग नेचर की अगर हम बात करें, तो रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती जाएगी मतलब रिड्यूस करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और रिड्यूस करना मतलब रिड्यूसिंग नेचर। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ेंगे तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें लिस्ट में ऊपर से नीचे आएंगे तो SRP वैल्यू इंक्रीज होगा, SRP वैल्यू इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा, और ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग नेचर कम होगा। ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग नेचर कम होगा और ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा, तो नीचे वाले एलिमेंट्स ज़्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऊपर वाले एलिमेंट्स ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों हमें यहाँ पर याद रखनी है, वो क्या कि ये सभी SRP वैल्यूज़ हाइड्रोजन को रेफरेंस मानकर दी गई हैं। हाइड्रोजन को क्यों रेफरेंस माना गया, हाइड्रोजन ही क्यों, कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं? हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हमें जो SRP वैल्यू मिलता है वो ज़ीरो मिलता है। हाइड्रोजन के ऊपर वो एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनके लिए SRP का वैल्यू हमें नेगेटिव मिला था, यानी कि यहाँ से ऊपर सभी एलिमेंट्स के लिए जो SRP वैल्यू है वो नेगेटिव मिलता है। हाइड्रोजन के नीचे वो एलिमेंट्स रखे गए हैं जिनके लिए हमें SRP वैल्यू पॉजिटिव मिलता है, यानी कि हाइड्रोजन के लिए ज़ीरो, हाइड्रोजन से ऊपर वाली नेगेटिव, और हाइड्रोजन से नीचे वालों का SRP पॉजिटिव। और भी इसको डिटेल में हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले हम सीधे ट्रिक पर चलते हैं, ट्रिक सीखते हैं, उससे ये सीरीज़ हम याद करेंगे, फिर इस सीरीज़ की हेल्प से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है क्वेश्चंस में, उस पर आते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे ट्रिक पर। तो ट्रिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। ट्रिक के लिए हमने क्या किया है, हमने इस सीरीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो सीरीज़ है हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट्स, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका SRP वैल्यू नेगेटिव था, और ऐसे एलिमेंट्स जिनका SRP वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स, इनके लिए SRP वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स। हाइड्रोजन से ऊपर वाले सभी रिड्यूसिंग एजेंट्स, हाइड्रोजन से नीचे वाले सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम अलग से याद करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम अलग से याद करेंगे। तो बेसिकली ये जो ट्रिक है ये हमने थोड़ा करंट सिनेरियो पे बेस्ड बनाई है। जैसे कि आप सभी को पता है अभी कि कोरोना वायरस COVID-19 जो है इसका दौर चल रहा है, इसने सभी जगह तबाही मचा रखी है, हमारे देश में भी काफ़ी इससे नुकसान हुआ है। तो इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इस ट्रिक को हमने बनाया है। तो पहले ट्रिक देख लेते हैं, और ये जो ट्रिक है ये प्रभात पे बेस्ड है। प्रभात कौन है ये भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए कैसे याद करें इन एलिमेंट्स को, तो इन एलिमेंट्स को याद करना है कुछ इस तरीके से, ले के भारत सरकार का नाम, मांगे अलमारी मन जाने को करे फिर कनाडा को, नहीं सुनता प्रभात है। प्रभात कौन है, प्रभात ये है, इसको जाना है कनाडा, ये सोच रहा है अभी COVID-19 के चक्कर में यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है तो मैं कनाडा चला जाता हूँ, लेकिन इसको ये पता नहीं है कि अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या चल रहा है, लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, अभी कहीं नहीं जा सकते आप, आपको घर में ही रहना है। तो एक बार फिर से ट्रिक पर आते हैं, ले के भारत सरकार का नाम, मांगे अलमारी मन जाने को करे फिर कनाडा को, नहीं सुनता प्रभात है। तो ये हो गए हमारे सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स। बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, यानी कि हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स की। तो जैसे कि आपने देखा है कि लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी बाहर नहीं आ सकता है, कई लोग फिर भी नहीं माने, बाहर आए हैं लेकिन पुलिस ने उनका अच्छे से इलाज किया, उनकी अच्छे से पिटाई की है। तो ये ट्रिक उस पर बेस्ड है। कैसे, इसको कुछ इस तरीके से हम याद करेंगे, क्यों आई आगे होगी बाहर पिटाई और फास्ट। एक बार फिर से, क्यों आई आगे होगी बाहर पिटाई और फास्ट, क्यों आई आगे होगी बाहर पिटाई और फास्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें और भी कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन ये जो हमने याद की है इससे हमारा काम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ गोल्ड से पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है,
तो ऐसे कई सारे आयंस भी और बीच में होते हैं, लेकिन ये जो हमने याद की है इससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए उसके लिए हमने क्वेश्चंस वाले एग्जांपल वाले वीडियो को अलग से तैयार किया है। आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आप और हम मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हम इसी तरह केमिस्ट्री के सभी इम्पॉर्टेंट वीडियोस पर लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री, और स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।